सो गाइस, काफ़ी सारे दिन हो गए ना आपसे मिले हुए, तो सोचा आज आपके लिए कुछ कमाल की चीज़ लेके आते हैं। और भाई ये है हमारे पास दिवाली वाला पटाखा, यानी कि ये अनार। और भाई आज कुछ खास करने वाले हैं, वो मतलब मेटल में छेद वगैरह हम कुछ नहीं करेंगे, इसके साथ कुछ अलग चीज़ करेंगे। वैसे तो आपको पता ही है कि ये इतनी ज़्यादा गर्मी निकालता है ना कि मेटल यानी कि लोहे को पिघला सकता है बड़े आराम से। तो भाई आज हमारे पास कोई मेटल नहीं है, हमारे पास है यहाँ पे रखे हुए पत्थर जैसे मजबूत जूते, यानी कि वुडलैंड के ओरिजिनल शूज। मैं आपको दिखा देता हूँ सारी चीज़। यहाँ पे आपको बैग वगैरह मिलता है, और भाई मैं आपको पहले ही बता देता हूँ एकदम ओरिजिनल है। देख लीजिए यहाँ पे MRP कितनी है, 3,700 रुपये। बाकी यहाँ पे कुछ लेबल वगैरह देख सकते हैं आप, और अगर आप चाहें तो मैं आपको बिल भी दिखा देता हूँ, क्योंकि हमने पूरे पैसे पे नहीं किए, थोड़ा बहुत डिस्काउंट लेके 3,300 रुपये में इसकी डील हो गई। ओके, वैसे मैं यहाँ पे शॉप का एड्रेस भी आपको नहीं दिखा सकता। और भाई वैसे आप लोग समझदार भी है ना, आपको जब जूता दिखेगा आप खुद समझ जाओगे। ओके, तो ये काफ़ी कमाल के मजबूत दिखने वाले जूते देख लीजिए, और यहाँ पे सीरियल नंबर वगैरह सब कुछ आता है, देख सकते हैं आप। ओके, काफ़ी कमाल का जूता है। ओ भाई क्या वजन है, अगर किसी को ये एक पड़ जाए ना तो वो दो दिन के लिए तो उठेगा भी नहीं। तो अभी आप सोचिए कि इतना ज़्यादा मजबूत जूता जिसमें मुश्किल से भाई केल भी आई थिंक नहीं जाएगी, काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, तो भाई क्या होगा, ये जो लोहे में छेद करने वाला अनार है वो इस जूते में छेद कर पाएगा या नहीं, बिना देखे कमेंट करके हमें ज़रूर से बताइए। वैसे अभी हम छेद तो इसमें करने ही वाले हैं कैसे भी करके, और भाई ये है ना ऐसे वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा खर्च होता है, तो प्लीज़ ज़रा आपका भी फर्ज है ना वीडियो को लाइक करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर प्रेस ज़रूर से कर देना, क्योंकि भाई आपके सपोर्ट की हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त। अभी देखते हैं इसको जलाते हैं और जूते का क्या हाल होता है वो भी देखते हैं। सो गाइस, यहाँ पे हमने जूता फिक्स कर दिया कुछ इस तरीके से, और नीचे अनार रखा हुआ है, आप देख भी सकते हैं। अभी बस देरी है तो इसको जलाने की, तो यहाँ पे 1, 2 एंड अब जाके आग बुझी है। अभी भाई अंदाजा लगाओ कितना ज्यादा डैमेज हुआ होगा। चलो देखने के लिए तैयार हो जाओ, मैंने अभी तक नहीं देखा है। एंड ओहो गाइस, देख सकते हैं जो अनार मेटल में छेद कर सकता है वो इस जूते में छेद नहीं कर पाया, बहुत ज्यादा नहीं कर पाया। अब देख सकते हैं हल्का सा छेद हुआ है यहाँ पे, बहुत ही हल्का सा छेद, मतलब जूते में कुछ ज्यादा नुकसान भी नहीं हुआ है। अभी देख सकते हैं थोड़ी बहुत ब्रांडिंग वगैरह वो घिस गई है, बाकी जूता जैसा था वैसा बच गया है, देख रहे हो। सो गाइस, देखा आप लोगों ने वुडलैंड का शू कितना ज़्यादा मजबूत होता है। सो गाइस, आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और भाई पसंद आई है ना तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, कमेंट करके बताना आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, और सबसे जरूरी बात, अगर चैनल पे पहली बार आए हो, वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो करो यार सब्सक्राइब और बेल के आइकन पे प्रेस, इतना तो आप कर ही सकते हो ना। बाकी मिलते हैं।